नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके क्लासेस में। दोस्तों, डेली एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके क्लासेस में। आज है 10 जनवरी और 10 जनवरी के अंतर्गत बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। साथ ही इसके साथ आप पिछले पढ़े हुए करंट अफेयर्स को ज़रूर रिवाइज करें ताकि आपको परीक्षा के समय परेशानी ना हो। आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आरबीआई ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? तो डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। नंदन नीलेकणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में एग्जीबिटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? तो 106वीं विज्ञान कांग्रेस में एग्जीबिटर ऑफ द ईयर का अवार्ड DRDO को दिया गया है। अगला सवाल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी का 105वां सदस्य कौन सा देश बना? तो USA क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली स्वदेश दर्शन परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पहली स्वदेश दर्शन परियोजना का उद्घाटन मेघालय के CM कॉनराड सगमा ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल सोलर काउंसिल के प्रमुख बनने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ये हैं प्रणव आर मेहता ग्लोबल सोलर काउंसिल के प्रमुख बने हैं। अगला सवाल देखते हैं। वर्ष 2018-19 में भारत की GDP में 7.3 वृद्धि का अनुमान किसने लगाया है? तो भारत की GDP में 7.3 वृद्धि का अनुमान वर्ल्ड बैंक ने लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश 2030 तक सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बन जाएगा? तो 2030 तक तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बनने वाला देश भारत है। यह रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2019 के अफ्रीकी फुटबॉल कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये मेजबानी करेगा मिस्र। अगला सवाल देखते हैं। किस राज्य ने विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से 65 वर्ष करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है पश्चिम बंगाल ने। दोस्तों, ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, रिवीजन ज़रूर करें। धन्यवाद।